सेक्टर पे होने वाला है, तो वो बेसिकली होटल इंडस्ट्री है, जहाँ पे 2 महीने पूरी तरह से वॉशआउट रहे थे, खासकर अप्रैल और मई, जहाँ पे कारोबार बिल्कुल इन कंपनियों ने नहीं किया था। उसका इम्पैक्ट आपको इस कंपनी के नतीजों पे देखने मिलेगा। तो सेकेंड वेव की मार जो है इस कंपनी को पड़ने वाली है। नो डाउट जून में थोड़ा सुधार हुआ, थोड़ा थोड़े खुले बिजनेसेस, इसके लिए साल दर साल थोड़ा इंप्रूवमेंट है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर काफी खराब हालत है, और नुकसान कंपनी एबिटा फ्रंट पे भी करेगी और बॉटम लाइन पे भी करने वाली है। हमारा अनुमान है कि रेवेन्यूज 370 करोड़ पे आएंगे, साल दर साल बढ़ेंगे, क्वार्टर क्वार्टर 40% की गिरावट है। एबिटा फ्रंट पे कंपनी 60 करोड़ का नुकसान करने वाली है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 266 करोड़ का नुकसान था, पिछले क्वार्टर में 71 करोड़ का कंपनी ने फायदा किया था, यानी कि प्रॉफिट किया था, लेकिन इस बार एबिटा लॉस आने वाला है 60 करोड़ का, और बॉटम लाइन में 190 करोड़ का लॉस कंपनी करेगी। हालांकि यहाँ पे कंपनी लगातार लॉसेस करते जा रही है, लेकिन हाँ क्वार्टर क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो लॉसेस है वो बढ़ने वाले हैं। तो सेकेंड वेव का गहरा इम्पैक्ट जो है होटल इंडस्ट्री पे पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट आपको इस कंपनी के नतीजों पर देखने मिलेगा।